दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं नेट हाउस के बारे में। नेट हाउस में जो खेती होती है उसके कुछ राज आपको सीखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, तो दोस्तों हमारे साथ एक बार फिर से है मोहित शर्मा जी, जो कि नेट हाउस में खीरा काफ़ी साल से लगा रहे हैं। तो आज उनका जो नया अनुभव बना है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बुआई के बारे में। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आपको थोड़ा सा परिचय और बताइए कि आपने इस साल क्या नया किया है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं नीमच जिले का रणावत खेड़ा गांव में रहता हूं। मेरी खीरे की खेती मैं 4-5 साल से कर रहा हूं और नेट हाउस में हर बार कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूं और हर बार कुछ चेंजेस कर रहा हूं। तो इस बार मैंने चेंजेस बुआई में ये किया है कि एक तो मैंने इसमें बीज तो मैंने दो तीन सालों के बीज तो मैंने चेंज कर दिया है। ये रिजवान का कैप्टन स्टार लगाता हूँ। बीज थोड़ा महंगा है पर क्वालिटी वाइज अच्छा है। इसमें क्या है, इसकी क्या खासियत है जो आप मतलब लगा रहे हैं? नहीं, इसकी एक तो शाइनिंग और ये सही रहती है कलर। अच्छा, इसकी बनावट सही है, अट्रैक्टिव लुक है। मतलब एक तो डार्क ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है तो अच्छा, ये मार्केट में बिकने में कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, जल्दी बिक जाता है अपना माल और अच्छी और आखिरी तक फ्रूट सेट सही होते हैं इसमें। शुरुआती साल में हमने पौधे लगाए थे इसमें 7,000 आधे एकड़ में। हाँ, आधे एकड़ में 2,000 स्क्वायर मीटर में 7,000 पौधे लगाए थे। अच्छा, उसके बाद 6,000 लगाए, उसके बाद 5,000 लगाए, अभी इस साल हमने 4,000 लगाए बीज। वो भी थोड़ा अलग स्टाइल से, मतलब देख रहा हूँ कि एक में तो आपने जैसे कि दो लाइनें लगा रखी इस साइड, एक में डबल और एक में सिंगल है। तो उसका भी क्या अनुभव आपको दिख रहा है? जगह कवर करने के हिसाब से है कि जगह ज्यादा भी कवर नहीं हो और पौधे को हवा मिल जाए। अच्छा। अभी ये लाइन सिंगल है। हाँ। और ये लाइन डबल है। हाँ। फिर भी प्रोडक्शन वाइज अभी ठीक ही निकल रहा है, इसमें सिंगल में भी वही निकल जाता है। अच्छा, थोड़ा बहुत 19 हो सकता है। हाँ, बाकी वो हवा लगती है ना पौधे को तो फ्रूट सेट अच्छे होते हैं। अच्छा, और समय चेंज किया एक तो हमने। अच्छा। समय हर बार नेट हाउस है अपना तो नेट हाउस में क्या बारिश की दिक्कत रहती है। अच्छा। तो हम हर बार जून में करते हैं तो रेट तो अच्छे मिलते हैं पर वो लंबी फसल नहीं चल पाती अपनी। अच्छा, उस वजह से फरवरी में लगाए तो अभी अप्रैल में अपनी ये क्रॉप चालू हो गई है। अच्छा, तो कब तक चलेगी मतलब ये? अभी ये बीमारी आने के ऊपर है, अगर बीमारी ज्यादा नहीं आई तो लंबी तक चलती है। जितनी लंबी चलेगी उतना अच्छा है, प्रोडक्शन निकल जाए। प्रोडक्शन तो आपके हिसाब से, हाँ, रेट कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, किसान को चाहिए कि प्रोडक्शन अच्छा ले ले वो। हाँ, मेन तो वही होता है क्योंकि खर्चा तो जितना लगना है लग चुका रहता है, जितनी लंबी चलेगी उतना प्रोडक्शन आएगा, उतना ही अपना लंबी चलेगी तो उसको हर तरह के भाव मिलेंगे। अच्छा, 20 रुपए किलो के भी मिलेंगे, 25 के रेट भी मिलेंगे, हर तरह का मार्केट मिलेगा। मार्केट के अप डाउन होते रहते हैं। हाँ, तो सही एक है। महीने में जो निकल गया इससे बाहर तो फिर उसको रेट कहाँ मिल पाएंगे। हाँ, कम ज्यादा तो लंबी फसल चलने में फायदा रहता है किसान को, प्रोडक्शन अच्छा ले, रेट की सोच के फसल ना बोई जाए मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, तो इस बार आपने काफी अलग लगाया है। इस बार मैंने दवाई का खर्चा कम किया है बहुत। अच्छा, कम खर्चा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू। हाँ। है किसान भाई क्या है कि दवाई का ज्यादा डोज डालते हैं, ये भी मैंने देखा है। नहीं, मैंने बहुत दवाई का स्प्रे किया था शुरुआती 1-2 साल में। हाँ। और उससे बीमारी कंट्रोल हुई नहीं थी कभी। अच्छा, मैं तो जितना डोज हेवी करता था बीमारी कंट्रोल होती नहीं थी उससे। हाँ। और उसके लिए क्या किसान को पहले से ही सचेत रहना पड़ता है। अच्छा, तो बीमारी वैसे भी कम आएगी। सही। हाँ, बीमारी आने के बाद कितना ही डोज डालो फिर वो एक आप, ये वैरायटी ऐसी है जो इसमें वैसे भी बीमारियां बहुत कम आती है। अच्छा, ये ब्लू लीफ वैरायटी है रिजवान की। हाँ। तो थोड़ी महंगी है। एक पैकेट कितना का पड़ता है लगभग? ये पैकेट पड़ा था मेरे को 8,200 का। अच्छा, इस साल बाकी लगभग 7,800 या 8,000 के आसपास ही पड़ता है, अभी थोड़ा महंगा पड़ा था 8,200 रुपये। ब्लू लीफ वैरायटी इसका ये पत्ता बहुत हार्ड होता है तो इसपे क्या ज्यादा बीमारियां लगती नहीं है वैसे। अच्छा। इसका पत्ता ये बहुत हार्ड है, सॉफ्ट वाला पत्ता बस यहाँ होता है बस ऊपर ही ऊपर। अच्छा। तो थोड़ी बहुत बीमारी या मच्छर वगैरह जो भी लगते हैं इस पे लगते हैं। अच्छा। तो बाकी यहाँ तक इतनी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है जैसे अभी गर्मी है तो रेड माइट की दिक्कत बहुत रहती है। हाँ। रेड माइट की दिक्कत अपने यहाँ पे भी है, अभी मैं बताऊँ आपको तो माइट्स ये है, ये बहुत छोटे ही होता है, कीट दिखता नहीं है वैसे मोस्टली नजरों से, फिर भी ये अपन ध्यान से देख पाएंगे तो ये रेड रेड स्पॉट दिख रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को, तो इसके लिए ये देख पाएंगे। चल रही है। ये अभी मूव भी कर रहे हैं मूवमेंट, आप देखेंगे ध्यान से तो। ये अभी इतनी नहीं है, कहीं कहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो मैंने अभी स्प्रे किया था कल ही ओबेरन का, तो 5-7 दिन में इसके रिजल्ट दिख जाएंगे अपने को।
और तो ठीक है, खाद वगैरह हम अच्छी कंपनी का लगा रहे हैं इस बार, कॉम्पो का और ये ICL का, ये लगा रहे हैं खाद अभी। और ये मल्चिंग लगानी है, मल्चिंग नेट हाउस में लगाना ठीक रहता है। अभी अपन पोली हाउस में देखेंगे तो उसमें शायद मल्चिंग नहीं लग पाती है। हाँ। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अच्छा, गर्मी गर्मी बहुत रहती है ना उसके अंदर, पोली हाउस में वैसे भी गर्मी रहती है, तो इसमें नेट हाउस के अंदर तो मल्चिंग लगाना सही रहेगा। एक तो खरपतवार का इतना दिक्कत नहीं रहेगी, खरपतवार मेंटेन करने में। और इस बार आपने थोड़ा पानी का भी थोड़ा मैनेजमेंट किया है। पानी का मैनेजमेंट, शुरुआती खीरे को शुरुआती दौर में पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, उसमें डंपिंग ऑफ की समस्या आती है। डंपिंग ऑफ की समस्या आती है और उसकी रूट सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जो छोटे बच्चे को अपन जिस तरह से केयर करते हैं उस टाइम पे, उसी तरह खीरे की एक शुरुआती एक महीने तक केयर करनी रहती है अपने को। इस बार हमने थोड़ा पानी कम दिया है, बहुत कम पानी दिया है, 3-4 बार ड्रिंचिंग करी है। हाँ। इस अपने रिजवान के जो एग्रोनॉमिस्ट है उनकी गाइडेंस के थ्रू अपने इसको अभी 3-4 बार ड्रिंचिंग दी थी शुरुआती। अभी कोई पानी, इसको ज्यादा पानी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जो छोटा पौधा रहता है 10 से 12, 15, 20 दिन का, महीने भर तक, तो उस टाइम पे पानी बहुत लिमिटेड चाहिए होता है इसको। और ड्रिप से अपन लिमिटेड पानी नहीं दे पाएंगे क्योंकि मोटर से जाता है उसका मेजरमेंट नहीं रह पाता है पानी कितना दे पाए अपन, तो इसलिए वो ड्रिंचिंग करना सही रहता है। उसमें हुमिक और 12-61 का दिया था, जो उसमें वो फास्फोरस और हुमिक से उसकी रूट अच्छी तरह से सेट हो गई, तो अभी प्लांट अभी ठीक ठीक है इस बार अपना। हाँ, मतलब ओवरऑल आपने जितने मतलब प्रोडक्शन लिया है जो पिछले सालों में, इस साल बेटर है, मतलब इस साल थोड़ा सा बेटर है। अच्छा, और मेरा मानना है कि आदमी सीखता रहता है। हाँ सही है, जितना अनुभव आपने जो सीखा है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सीखता रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि इस धरती पे कि वो सब कुछ सीख चुका है। हाँ, समय सिखाता जाता है उसको, सीखता जाता है, तो अभी सीख रहे हैं अपन भी। हाँ, थोड़ा सीखे हैं, अगली बार और थोड़ा और सीखेंगे। ठीक है, क्वालिटी वैसे बीज की अच्छी है। हाँ, अभी इसमें 50-60 क्विंटल माल से ऊपर निकल गया होगा अभी तक, तो अभी चल रहा है। आज तुड़ाई करी है। हाँ, तुड़ाई करने के बाद की कंडीशन है, अपन इसमें तुड़ाई कर चुके हैं। आज सुबह की थी। हाँ, आज तुड़ाई कर चुके हैं। हाँ, थोड़ी लेबर की भी दिक्कत रहती है, तो थोड़ी बंदाई में चल रहा है, लेकिन बंदाई में चल रहा है। ये काफी हाइट तक अभी जाएगा पौधा, ठीक है, तो फिर तोड़ना, फिर स्टूल लगाना पड़ता है अपना, वो भी दिक्कत है। तो अपन इसको ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचा रहे, इसको यहाँ तक कि इसको वापस इधर से रिटर्न हो जाएगा ये पौधा। हाँ, मुड़ के वापस नीचे आएगा, चलता रहेगा, नहीं होती, ठीक है। एक बार एक तो है कि ज्यादा हाई डोज देने से पौधा एकदम रिएक्ट करता है, तो फिर वो बीमारी भी एकदम रिएक्ट होती है उस तरफ, या तो फिर वो बढ़ेगी, या तो बढ़ेगी, और फिर उसमें क्या होता है कि कीटों का भी रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाता है। हाँ। फिर वो क्या है कि आप बहुत हेवी डोज देंगे तो फिर वो बाद में आगे जाके वो कंट्रोल होंगे नहीं छोटी मोटी दवाई से, तो शुरुआती दौर में डोज कम रखना चाहिए। हाँ सही है, और रेगुलर ऑब्जर्व करना चाहिए अपने। सही है। हाँ, मतलब कि 2-3 लाइनें तो आप दिन को देखिए, मतलब हर पत्ते की साइड, नीचे की साइड में क्या आपको मतलब नजर आ रहा है। शुरुआती साल में मैं रेड माइट को समझ ही नहीं पाया था, मेरा पूरा प्लॉट रेड माइट की वजह से खत्म हो गया था। अभी इस बार मेरे को ध्यान है कि रेड माइट क्या होता है, व्हाइट फ्लाई क्या है, तो समय समय पर वो करते रहे स्प्रे, तो अभी इतनी नहीं है, आएगी गर्मी रहेगी तो रेड माइट आएगी, रेड माइट आएगी, और अपना ये व्हाइट फ्लाई तो आती है वैसे भी। तो व्हाइट फ्लाई का क्या कंट्रोल, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए स्टार्टिंग से व्हाइट फ्लाई के लिए? व्हाइट फ्लाई के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं वैसे तो, उलाला है अच्छी दवाई है ये, और क्योंकि मेन समस्या हर फसल में होती है किसान को यही। हाँ हाँ, तो दवाइयाँ बहुत सारी है वैसे, एक तो उलाला है, एडमायर है नाम बायर की आती है, एडमायर एक, उसमें वो भी वाइट फ्लाई पे अच्छा काम करती है, वो दवाइयाँ और बहुत सारी है वैसे। इस बार थोड़ी डंपिंग ऑफ की समस्या कम है, इसलिए पौधे गए नहीं, खाली दिख रहे हैं, खाली बहुत कम है। ठीक है, कहीं तो पौधे जाएंगे ये वैसे। हाँ, लेकिन वो जो एवरेज है वो कम है इस बार, क्योंकि हर बार मैं देखता हूँ तो ज़्यादा ही चले जाते हैं, इस बार इतने खाली नहीं है गड्ढे, देखिए। बाकी फ्रूट सेटिंग सही है, चल रहा है बड़ी। ये भी इसका अभी इसमें तुड़ाई आज ही करी है तो अभी। हाँ, फ्रूट कम दिख रहा है, और 60-70 क्विंटल माल निकल भी चुका है अभी तक। मेरे को सही से अभी मेजरमेंट नहीं करा मैंने कि कितना निकला होगा, पर मेरा आइडिया से 60-70 क्विंटल माल निकल चुका होगा इसमें से। हाँ, बाकी हाइट वगैरह देखिए बढ़िया,
चल रहा है, मतलब अभी तो चलेगा लंबा, कितना महीने पर तो और चलेगा, ज्यादा चलेगा मैं, मेरे हिसाब से 2 महीना चल जाए तो अपने लिए वो अच्छा है, पर अभी ये कितना चले ये अपन अभी नहीं कह पाएंगे क्योंकि बीमारी कितनी आती है। कितना टाइम हो गया, मतलब महीना पर हो गया चालू हुआ? चालू हुए अभी तो 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन 5-5 क्विंटल डेली का निकल रहा है एवरेज। अच्छा डेली एवरेज, हाँ खीरा निकलता है इसमें से 5 क्विंटल। अच्छा किसी दिन 8 क्विंटल निकल गया तो किसी दिन 3 निकल गया, तो एवरेज आप मान के चलिए कि 5 क्विंटल डेली निकल रहा है। और इस बीज की कुछ अलग वेराइटी मतलब और भी अवेलेबल हो या इसमें कुछ? हाँ इसमें और भी कंपनी सुधार कर रही है, रिजवान का भी एक नया बीज लेके आई है, अभी अपन भी अगली बार ट्राई करेंगे तो वही करेंगे, एमी स्टार नाम से है। अच्छा अभी अपनों ने नहीं लगाया, पर कंपनी का कहना है कि एक एमी स्टार टॉप तो एक फंगीसाइड है। हाँ एमी स्टार नाम से है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी फसल है इस बार, तो इसीलिए मैंने अब ये अनुभव आपके साथ शेयर करने की सोचा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो भी बता दीजिएगा ताकि हम किसान के साथ शेयर करेंगे उसको, और आपको फिर से एक नया वीडियो में जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, आपका दिन काफ़ी शुभ रहे।